नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तीनों महीने प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग और स्टूडेंट के लिए बहुत ही तनावपूर्ण होने वाले हैं। वैसे हर इंसान यही चाहता है कि उसको अपने कार्यस्थल पर यानी कि उसके वर्क प्लेस पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, क्योंकि वैसे भी आजकल की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली है उसमें वैसे ही इंसान को तनाव रहता है, और अगर साथ में उसके वर्क प्लेस पे भी यानी उसके कार्यस्थल पर भी अगर तनाव होगा तो उसके लिए और भी खतरनाक, उसके लिए बहुत ही दुखदायक हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे यानी कि कार्यस्थल पर तनाव होने के क्या कारण है, इसके क्या संकेत है कि फला व्यक्ति को या आपको तनाव हो चुका है इस आपके कार्यस्थल पर, अगर हो गया है तो आप इस तनाव से कैसे बाहर आ सकते हैं या कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, इन सभी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये सभी चीज जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तनाव के रीजन की, यानी कि वर्क प्लेस पे तनाव के क्या कारण हो सकते हैं। ध्यान रहे, आज हम सिर्फ वर्क प्लेस के तनाव की बात कर रहे हैं। वैसे जीवन में बहुत सारे चीजें ऐसी होती है जिससे इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन फिलहाल आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ वर्क प्लेस पे तनाव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है राजनीति, या कह सकते हैं पॉलिटिक्स। तो वर्क प्लेस पे जो होने वाली राजनीति है वो सबसे बड़ा रीजन है किसी भी इंसान के स्ट्रेस के लिए। वैसे भी महान दार्शनिक चाणक्य ने कहा है कि जब भी आपके वर्क प्लेस पे आपका ग्राफ ऊंचे जाने लगता है, आपका ग्राफ हाई होने लगता है, तो आपसे जलने वाले लोग सबसे पहले तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, फिर इसके बाद आपके जितने भी आइडियाज हैं या जितने भी आपके सजेशंस हैं उनका विरोध करना शुरू करेंगे। उससे भी अगर उनका काम नहीं चलता है तो फिर वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी उनका काम नहीं चलेगा तो लास्ट में आपके चरित्र पर हमला करेंगे, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, बस। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रतिस्पर्धा, या कह सकते हैं कंपटीशन। लोग क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए या अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए बहुत से गलत काम भी कर लेते हैं, और उनके इस गलत काम के चक्कर में बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं या उनको स्ट्रेस हो जाता है। यह है दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है जॉब जाने की चिंता, यानी आपकी कहीं नौकरी ना चली जाए इन वजहों से, तो इस ये भी उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण होता है। तो ये 3 वजह है जिसके कारण इंसान स्ट्रेस में आ जाता है वर्क प्लेस पे। वैसे और भी रीजन है जैसे कि कम सैलरी होना, वर्कलोड का ज्यादा होना, टाइमिंग का ज्यादा होना, लेकिन ये 3 जो रीजन है वो उतने खास नहीं जितने की पहले 3 रीजन। तो चलो हमने ये तो जान लिया कि वर्क प्लेस पे टेंशन का या तनाव का या कह सकते स्ट्रेस का क्या कारण है, क्या रीजन है। अब हम ये जानते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि नुकसान सिर्फ एम्प्लॉय को ही होता है या कर्मचारी को ही होता है, जो संस्था होती है उनको भी नुकसान होता है। पहला नुकसान देखिए, पहला नुकसान ये कि आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, यानी आपकी जो कार्य क्षमता है, यानी कि जो बंदा जो स्ट्रेस में आया है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, मतलब वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि वो अच्छे रहकर कर सकता था या बिना स्ट्रेस लिए कर सकता था, उतना अच्छा काम वो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से दोनों को ही नुकसान होगा, एम्प्लॉय को भी होगा और एम्प्लॉय को भी होगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इम्बेलेंस हो जाएगा, मतलब का जो व्यक्तिगत जीवन है वो उसके प्रोफेशनल लाइफ से मैच नहीं कर पाएगा, उसमें इम्बेलेंस हो जाएगा और इस वजह से भी उसको दिक्कत जाएगी। इन दोनों वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो एल्कोहल का भी यूज कर सकता है, ये एल्कोहल का भी यूज करते हैं ऐसे लोग, और अंत में क्या होता है वो आत्महत्या तक कर सकता है। तो ये बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर अगर टेंशन में है, अगर तनाव में है या स्ट्रेस में है। तो चलो ये तो हो गई नुकसान की बात। अब हम बात करते हैं कैसे पहचाने कि आप खुद टेंशन में है या स्ट्रेस में है, या कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं आपको कुछ संकेत बता रहा हूँ, कुछ हिंट्स बता रहा हूँ, या कह सकते हैं कुछ सिम्टम्स आपको मैं बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फला व्यक्ति जो है वो इस समय स्ट्रेस से गुजर रहा है। पहला सिम्टम्स, हमेशा चिंता करते रहना और इस वजह से उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, ये उसका पहला रीजन है। दूसरा, काम में रुचि का कम होना, या कह सकते हैं कि मन ना लगना या उदास रहना,
ये भी उसके बहुत बड़े संकेत है। ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होना, यानी कि कह सकते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाना, मसल्स पेन यानी उसकी मांसपेशियों में तनाव रहना, खिंचाव रहना, दर्द होना, पेट संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का हो जाना, और धीरे धीरे सोशल लाइफ से दूर हटते जाना, यानी कि जो उसका सामाजिक जीवन है उससे धीरे धीरे दूर हटना, और अंत में एल्कोहल और ड्रग्स का एडिक्ट होना। ये सभी संकेत है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि पर्टिकुलर व्यक्ति इस समय स्ट्रेस से गुजर रहा है। चलिए, हमने जान लिया कि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होने के क्या रीजन है, उससे कौन से नुकसान हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे निकला जा सकता है। सपोज करिए ये सारी प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई है, किसी वजह से, भगवान ना करे किसी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन मान लीजिए इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई है, तो आप उस चीज से या उस दौर से या उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकते हो, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। कुल मिला के उपाय जानते हैं कि कौन से उपाय ऐसे करें जिसके थ्रू हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो उपाय नंबर वन, सबसे जरूरी महत्वपूर्ण उपाय, कि आप कार्यस्थल पर होने वाली जो राजनीति है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ये श्योरिटी है कि अगर आप उस राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा काम करना पड़े, आपको ज्यादा काम मिले और आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको टेंशन कभी नहीं होगा अगर आप उसमें नहीं पड़ेंगे तो। दूसरा, अपने आप को आगे बढ़ाने की या अपने आप को सुपर पावर बनने की जो रेस होती है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। रेस का मतलब कोई रनिंग नहीं कर रहा हूं मैं, जो आगे बढ़ने की चाह होती है ना इंसान के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते रहोगे तो 100% इसका आपको आज नहीं तो कल इसका फल मिलना ही है। अपने सच्चे मित्रों के साथ बैठकर समस्या का सलूशन निकालें। मैं यहां बात कर रहा हूं सच्चे मित्र की, अच्छे मित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चे मित्र की बात कर रहा हूं, जो गलत होने पे आपको भी डांट सके, आपको भी सलाह दे सके। तो ऐसे मित्रों के साथ बैठकर आप किसी भी प्रकार की समस्या का सलूशन या समाधान निकाल सकते हैं। ना तो आप किसी से जलन रखें और ना ही अपने आप को हीन भावना का शिकार होने दें। हीन भावना का मतलब होता है कि अपने आप को ही लो समझना या अपने आप को ही सबसे कम आंकना, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है, वो जब समय आएगा तब आप अपनी वो क्वालिटी दिखा सकते हो। तो इसलिए कभी भी अपने आप को हीन ना समझे और ना ही किसी से जले। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, किसी को दिखाने के लिए काम ना करें, किसी को दिखाने के लिए काम ना करें, बल्कि ऐसा काम करें कि सबको दिखे, यानी उस काम को सब नोटिस करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉस को या अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए ही वर्क करते हैं, और जब वो नहीं होते, मतलब उनकी अब्सेंस में, वही लोग जो बॉस के सामने या अपनी अथॉरिटी के सामने बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे, वही सबसे ज्यादा मक्कारी करते हैं। और सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गांठ बांधने वाली बात, कि आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपकी नौकरी चली जाएगी या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी बॉस, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी राजनीति करने वाले कुलीग आपको आपकी नौकरी से निकाल ही नहीं सकते जब तक कि आपकी किस्मत में वहां पर नौकरी करना लिखा है। यानी जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक दुनिया का कोई भी इंसान आपको उस जॉब से नहीं निकाल सकता है। और जिस दिन उसको निकालना होगा, जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा होगी, उस दिन वो निकाल ही देगा, चाहे कितने भी फेवर वाले लोग आपके वहां क्यों ना बैठे रहे। तो इसलिए इस सोच को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।